once again to Madhu's Food Fun Health. A very happy Diwali to all of you. Festival season और आप enjoy कर रहे होंगे. और आज हम लोग जो बनाने वाले हैं सिंधी, हमारे सिंधियों में हम लोग सिवैयों की मिठाई बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन सिवैयों की मिठाई हमें झटपट बनानी है. I don't have time. आपके पास है क्या किचन में खड़े होने का? नहीं ना. तो चलिए आज जल्दी से बना देते हैं यार, झटपट काम करते हैं और फ्री होके अपने दिवाली को एंजॉय करते हैं. कम विद मी. तो दोस्तों चलिए आज बनाते हैं सेव की मिठाई सिंधी ट्रेडिशनल. तो मैंने एक कप मिल्क पाउडर लिया है, उसमें एक चौथाई कप डालेंगे हम मलाई, आप क्रीम भी ले सकते हैं. और दूध डाल रही हूँ एक प्लस एक चौथाई कप दूध. दूध को हम इसमें धीरे धीरे मिक्स करेंगे ताकि उसमें जो गठाने फॉर्म ना हो, लम्स फॉर्म ना हो. तो बस एक स्मूथ सी हमारी ये पेस्ट बन जाएगी. तो गैस पे जाने से पहले मैंने दो चम्मच दूध एक कटोरी में ले लिया है और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़े से केसर के धागे. इसको हम अलग करके रख देंगे जिसको हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं. और साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ सेव. ये सेव मैंने घर में बनाया है, इसकी रेसिपी हम कभी और शेयर करेंगे. पर आप मार्केट से भी सेव ले सकते हैं, जो पतली सेव आती है ना, नायलॉन सेव से थोड़ी बड़ी फीकी सेव लीजिएगा, नमक वाली सेव मत लीजिएगा. और अब गैस चला दी है मैंने, गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और अपना जो ये हमने पेस्ट बनाया था इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है. कंटिन्यूस स्टर करेंगे क्योंकि जहां हमने हाथ रोका वहां पे हमारा जो दूध है वो जल जाएगा. तो इसको कंटिन्यूस स्टर करते रहेंगे ताकि हमारा इसका जो थिक हो जाए, जब ये आधा थिक हो जाएगा मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे. और दोस्तों एक सजेशन और यहाँ पे दूंगी आपको कि आप ये जो मेरा कढ़ाई देख रहे हैं ना, साइड से जलना शुरू हो गया, ये स्टील की कढ़ाई है. तो स्टील की कढ़ाई मत यूज़ कीजिएगा, चाहे तो आप नॉन स्टिक पैन यूज़ कीजिएगा. और नॉन स्टिक पैन ये देखिए, ये मैंने सेव डाल दिया इसके अंदर. और सेव डालने के बाद देखिए गाढ़ा हो गया ना हमारा आधा, जब गाढ़ा हो गया तो मैंने इसमें सेव डाला है. तो अब बस इसके अंदर गाढ़े सेव डालने के बाद मैंने अपनी कढ़ाई भी बदली क्योंकि वो कढ़ाई मेरी जल रही थी. थोड़ी सी चीनी डालेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने चीनी डाली है. आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप डाल लीजिए. कंटिन्यूस चलाते रहेंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे करके गाढ़ा होने लगेगा, जैसे मावा मिलता है ना मार्केट से आपकी खोए की बर्फी. और ये केसर का दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया, केसर से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है. तो ये आ गया हमारा केसर का दूध. बस चलाते रहेंगे, हाथ हमारा रुकना नहीं है. चीज़ हम 10 मिनट में बना रहे हैं लेकिन 10 मिनट आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए. और ये गई थोड़ी सी इलायची पाउडर, हरी इलायची पाउडर अगर आपको टेस्ट ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं. बस इसको अब गाढ़ा करेंगे, कंटिन्यूस चलाते रहेंगे. ये देखिए धीरे धीरे करके जो हमारा ये पेस्ट है ये गाढ़ा होता जाएगा और कढ़ाई के साइज जो है वो छोड़ता जाएगा. अच्छा आप यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर आप चाहें तो आप इसमें एक चम्मच आखिर में देसी घी डाल सकते हैं. मैंने नहीं डाला क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, बिकॉज मैंने पहले उसमें मलाई भी डाली है ना, तो मलाई भी घी छोड़ती है. पर अगर आप चाहें तो आखिर में उसको थोड़ा सा ग्रीजी लुक देने के लिए आप लास्ट में 1 टीस्पून देसी घी उसमें ऊपर से डाल दीजिएगा. तो मैंने चख भी लिया, बहुत टेस्टी बना है और सेवियों का जो उसमें फ्लेवर है बहुत अच्छा आ रहा है. बस और कुछ नहीं करना, अब मैंने ये ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है और इसको अब हम गैस फ्लेम कर देंगे बंद. और अब इसको हम सेट होने के लिए एक पैन में ट्रे में लगा देंगे. ठीक है, तो बस अब इसको सेट करते हैं. एक मैंने डिश ले ली है, उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस कर दिया नीचे और इसमें इसको अब सेट कर देंगे हमारी मिठाई को.
और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। से ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के, बादाम, पिस्ता, आप काजू भी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो लीजिए, हमारी आज की झटपट सेब की मिठाई बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। मधुस फूड फन को अपना प्यार देते रहिए। स्टे हेल्दी, हैप्पी दिवाली वंस अगेन, मीट यू अगेन आफ्टर दिवाली एक नए एपिसोड के साथ। आप सबसे मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर।